शहर वालों समझो देहर वालों। नौटंकी नहीं मेरी जान जिंदगी है, इसको जरा पहचान जिंदगी है। थोड़ी सी है बेईमान जिंदगी है, कर देती है हैरान जिंदगी है। कभी लगती है चट्टान जिंदगी है, तमाशा नहीं नादान जिंदगी है। हराम है जो इस घर में कोई हिल के भी पानी पी ले, सारे काम फरिया को करने पड़ते हैं। उड़ जाओ भाई, इतवार है इसका ये मतलब नहीं गेंडों की तरह पड़े रहोगे। हिप्पो है? अरे हिप्पोपोटेमस, गेंडा नहीं। और चाय तो ला दो। आवार आकर निकाल लो केतली से, होटल में नहीं बैठे कि फुल सर्विस मिले तुम्हें। ये अब्बा गुस्सा ना बच्चों पे नहीं निकाला करो अम्मा। अरे प्यार से भी बोल सकती हो। तुम्हारे अब्बा को और तुम्हें प्यार की जबान समझ में आती है बेटा? जाओ जाके उठाओ उन्हें। भाई मैं नहीं उठा रहा उन्हें, वो लात मार देते हैं। कौन आ गया? अरे हरामी की ना इंतहा है इस घर में। अरे बस भी करो। बाबा के घर आयो? माफ करो, सुबह सुबह मांगने आ गए। नहीं नहीं, वो बाबा को बुला दें। कौन अब्बा? किसका अब्बा? जावेद साहब। अरे भाई गलतफहमी हुई है, ये जावेद लतीफ का ही घर है ना। घर तो उन्हीं का। मैं घुटकी से आया हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया? बंटू, कोई और जावेद साहब है क्या अपने मोहल्ले में? नहीं नहीं, इकलौते हैं, एक ही पीस है ये। सुन लिया, गलत फहमी हुई है, अब निकलो। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो जावेद साहब रहते हैं मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बात सुन, उनका एक ही बेटा है बंटू, अंदर चाय पी रहा है, और एक बीवी है सामने खड़ी है। समझ आ गई? अब निकल चल। बंटू भी होगा और आप भी हैं, लेकिन मैं उनका पहली बीवी का बेटा हूँ जो घोटकी में रहती है। आप जरा जावेद साहब को बुलवा देना, मुझे उनसे जरूरी काम है। बुला देना। अरे क्यों मार, क्या हुआ क्या है? अरे क्यों मार रही हो, क्यों मार क्यों रही हो? जो पुत्र तुझे यानी आना चाहिए था, देख क्या कोराम मच गया है। हल निकल रहता। मैं वापस गांव नहीं जा सकता, मैंने शादी कर ली है, ये नाजिया है। सलाम अलैकुम। क्यों नहीं जा सकता भाई? तालपुरों की छोकरी है, गोठ में जंग चढ़ गई है, सब एक दूसरे को काटने में तुले हुए हैं, मैं वापस नहीं जा। तालपुर? वो तो पागल वगल तो नहीं है? थलपुरु की तलवार मेरे गले तक ले आया, बड़ी अंगारा बनी हुई है, यहीं काट के फेंक देगी मुझे। ये पैसे पकड़ और बताओ यहाँ से अपना बंदोबस्त कर। अच्छा, तो मेरी सारी पॉकेट मनी यहाँ जाती रही है? मुझे तो बचपन से ही मेरा हक नहीं मिला है अम्मा। अम्मा वापस गोठ न नींदम, मैं वहां जाऊंगा, मैं काट दिया जाऊंगा अब्बा। मेरे पास ना कोई खाने की जगह है, ना कोई रहने का कोई ठिकाना है अब्बा, मैं वापस गोठ नहीं जा सकता। छोटी अम्मा आप तो समझो ना, छोटी अम्मा का सर फाड़ दूंगी मैं तेरा। अब बेटा हूँ तुम्हारा, अब कबूल नहीं करोगे तो कब करोगे? उधर मत जाइए। अबे नाजिया, नाजिया तुम अच्छा।
सुरक्षित सामान रख या पट पे ही सो जाएंगे, लेकिन वापस गोठ नहीं जा सकते। देख शाजी, ये हरकत मत कर। खुदा का वास्ता है, आप दोनों को एक दूसरे के खबरदार, तुमने उस प्राणी की कसम ली। तुम चुप नहीं रह सकती हो? अब भी चुप रहूंगा। चुप रहो मेरी माँ। देख शाजी, तूने शादी की है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू इस लड़की को जहाँ चाहे रख, लेकिन यहाँ से निकल। जिम्मेदारी तो आपकी भी थी ना, जिसे गोठ में छोड़कर आ गए हो और यहाँ आकर ये छोटी अम्मा से शादी कर ली। इन बेचारी को तो पता भी नहीं है कि इन्होंने शादी की हुई है। अपनी हद में रह। हद में तो आपको रहना चाहिए था ना, यहाँ शहर आ गए और दूसरी शादी कर ली और एक पुत्र भी पैदा कर लिया। और उनका क्या जब गोठ में पूरा दिन वो शकील और फजील जो है नाले पर बैठे रहते हैं, सुल्फियां खींचते रहते हैं, टीके लगाते रहते हैं। फजील, शकील? और शकील जो है वो दो बार जेल होकर आ चुका है फुरों के चक्करों में, ये भी पता है नहीं? और कितने छोड़े घोटकी में? नहीं नहीं, बस तीन ही है। अरे क्या पता, क्या पता क्या बे? नहीं नहीं, बस तीन ही है। अम्मा सबसे पहले ना इनका मोबाइल चेक करो, ऐसी सारी हरकतें ना उसमें होती है। दिखा दिखा। क्यों मोबाइल क्यों? ये लो अम्मा, खोल के देना। पासवर्ड डालो। हाय डार्लिंग। पासवर्ड कैसे पता है तुझे? मैसेज में जाओ, मैसेज में जाओ। अम्मा देखो किस किस को फॉलो किया हुआ है इन्होंने। यार अब्बा तुमने तो जलील ही करा दिया यार, तुम इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो? अब्बा ज़बान देख रही हो इसकी? तुम अपनी ज़बान बंद रखो और तू क्या तमाशा देख रहा, निकल। छोटी अम्मा हम वापस नहीं जा सकते, हम नहीं रहेंगे। उठा निकल यहाँ से। सर मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है निकल। हम नहीं जा सकते। देख के कैसे नहीं जाएगा? वापस नहीं जाएंगे। तेरा तो बाप भी जाएगा। नहीं जाएंगे। बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अरे चुप करो, कर ली शादी, 18 साल का था, फिर शहर आया तो तुम पसंद आ गई, तुमसे भी कर ली, क्या गुनाह किया? अरे हम भी जवानी के जोश में होश खो बैठते थे यार। तो अब हम जवान है ना, तो हमने भी कर ली शादी। तुम एक नहीं निभा सके, कम से कम हमको तो एक निभाने का मौका दो ना। मैं बता रहा हूं, मैं अपना कमरा नहीं दूंगा किसी को। तुझे अपने कमरे की पड़ी है, कुछ तो लिहाज करो। अब हम वापस गोठ नहीं जा सकते और नादिया को छोड़ सकते हैं। लगता है प्यार की ताकत ना इन दोनों को जुदा होने नहीं देगी। अब्बा बंटू समझ गया, देखो अब्बा बंटू समझ गया, लगता है तुमने भी कभी इश्क किया है। टीना से अब तक चल रहा है तेरा? चप्पल मार के ना सर के दो टुकड़े कर दूंगी, मेरे घर में नहीं आएगी। अम्मा मैं बता रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तेरी माँ देखती हूँ कैसे आती है। की ताकत हो गया तेरा बीकॉम? तो बीकॉम करने दोगी? शहर वाले में भी जिगर हूँ दुआ। तो अम्मा 1 साल रह गया, करने दो, कर लूंगा फिर शादी में। माँ की तरह शादी का शौक है, कमाने का शौक नहीं है तुझे? छोटी अम्मा पास करता रहता है। छोटी अम्मा। अरे चुप। तुम्हारा इससे जो भी ताल्लुक है हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, तुम जियो मरो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। तो बदकिस्मती से इस आदमी से मेरी शादी हो गई, सी लात मारती ना जाके घोटकी में गिरता। निकलो भाई। हाँ अपना सामान हो, निकलो। हमें माफ कर दे, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे आने से आप लोगों के घर का माहौल इतना खराब हो जाएगा। शजी ने कहा था वो आपका लाडला है, आप खुशी खुशी से उसे रख लेंगे। ने सारे गांव के खिलाफ जाकर शादी कर ली, अब हम आप लोगों की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहते। हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआएं चाहिए। कहते हैं कि बड़ों की दुआएं साथ हो बड़ी से बड़ी मुश्किल टल जाती। चलो शाजी।
रुको, ये कुछ पैसे हैं, रखो इसे। यहाँ 3-स्टार होटल है, रात वहां गुजार लो। कल ऑफिस वाले ओमी भाई से बात करूंगा, उनका एक घर खाली है। और सुनो, तेरी छोटी अम्मा ने कल तुम दोनों को दावत पे बुलाया है। शादी मुबारक हो। शुक्रिया। सुभाने ही नमाज। शुक्रिया।